किसान साथियों, आज मैं आपको मिलवा रहा हूं दो किसानों से और हम ये जानेंगे कि क्या निमाटोड के लिए वेलम प्राइम, निमिट्स, निस्टोड और जो केश कांति दवाई है, क्या इनके अलावा कोई और दवाई नहीं है। किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल से और मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। चलिए बात करते हैं पहले किसान की। पहले किसान है श्री रितेश कुमार, जो गांव मोहम्मदपुर, तहसील बेवाल और डिस्ट्रिक्ट रेवारी हरियाणा के रहने वाले हैं। किसान साथियों, 22 अगस्त 2020 को इन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कुछ फ़ोटो भेजे और उन फोटो को देखने पर ये लगा कि इनमें निमाटोड है। मैंने इसको बताया कि भाई इनमें गांठें पड़ी हुई हैं और इनमें मुझे देखने से निमाटोड लग रहा है, अगर आप इसको कन्फर्म करना चाहते हैं तो इसको लैब में भेज दीजिए। यहाँ मैं ये बात बताना चाहूँगा कि निमाटोड के टेस्ट करने के लिए कोई भी चार्जेज नहीं होते हैं। निमाटोड को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखकर बताया जा सकता है कि इसमें निमाटोड है। इस किसान ने बताया कि नहीं त्यागी जी, मैं तो आपको इसलिए बताया है कि मुझे वेलम प्राइम दवाई बताई थी और साहब ये वेलम प्राइम दवाई जो इतनी महंगी है ये मेरे बूते से बाहर है, मैं नहीं खरीद सकता, तो मैंने सोचा कि क्यों न कुछ और दवाई ट्राई करूं। जैसा उन्हें किसी दुकानदार ने बताया कि आप इसमें कार्बोफुरान, जो फ्यूराडान के नाम से आती है, उसको प्रयोग करिए, और इन्होंने उस दवाई का प्रयोग किया और उसके बाद बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद इन्होंने मुझे अपने कुछ पौधों की फोटो भेजी और इन्होंने कहा कि त्यागी जी मेरे पौधों में कुछ कमी है, आप बताइए। तब मैंने जब इनके पहले मैसेज देखे तो मैंने पूछा कि उस केस का क्या हुआ जब आपने फ्यूराडान लगाई थी। किसान साथियों, इन्होंने मुझे बताया कि त्यागी जी अभी फोटो भेजता हूं, और जो इन्होंने फोटो भेजे तो मैं दंग रह गया कि इनके पौधे सभी चल पड़े थे। मैंने इनसे कहा कि मैं विश्वास नहीं करता कि ये वही पौधे हैं, आप मुझे इनकी जड़ें दिखाइए। किसान साथियों, इन्होंने जब मिट्टी निकालकर जड़ की फोटो भेजी तो मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि जब से ये वेलम प्राइम और निमिट्स जितनी भी दवाई है नहीं आई थी, तब तक इसका सिर्फ एक ही इलाज था। कहते थे कि आप फ्यूराडान डालिए जिसमें के कार्बोफुरान होता है। किसान साथियों, ये तो हुआ पहला केस। आइए अब मैं आपको बताता हूँ एक दूसरे संजय कुमार से। संजय कुमार काशीपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ये भी इस बीमारी से परेशान थे। जब इन्होंने ये देखा कि इनके पौधों की, जो अमरूद के पौधे हैं, उनकी जड़ों में गांठें पड़ गई हैं, तो इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा। मैंने कहा भाई इनमें तो निमाटोड है, आप एक बार देख लो, आप चाहो तो टेस्ट करा लो। संजय भाई ने निस्टोड मंगा ली और उन्होंने निस्टोड भेज दी, लेकिन निस्टोड आने में कुछ देरी हो गई। उसी दौरान उन्होंने कुछ पौधों में मैंने एक दवाई बताई थी, वो दवाई कुछ नहीं थी। मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि इसमें आप जो है ना, फंगस भी मुझे थोड़ी लग रही थी, आप इसमें कार्बनडिज्म का प्रयोग करिए, और उन्होंने दो बार कार्बनडिज्म की उन्होंने ड्रिंचिंग की और फिर मुझे बताया कि त्यागी जी मैंने जो जिन पौधों में निस्टोड लगाई थी उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन जिन पौधों में मैंने कार्बनडिज्म लगाई थी जो आपने बताई थी, वो मेरे सारे पौधों में फुटान शुरू हो गई। किसान साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये भी खुशी हुई कि कम से कम एक चीज़ से इनका इलाज हो गया और इनके पौधे सही हो गए। चूँकि इन्होंने मंगाने से पहले मेरे से बात की थी, इसे मुझे पता है कि ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। किसान साथियों, ये तो हुई पहली बार। आइए अब हम चलते हैं इस वीडियो के। किसान साथियों, निमाटोड पर मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी जिसका नंबर था 175, ये 175 नंबर, और इस पर एक किसान भाई जो अभय कुंती हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था। उन्होंने ये कमेंट किया था
कि नीमाटोड को रोकने के लिए प्रभावी दवाई पेसिलोमाइसिस लिलासिनस है, और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके खेतों में नीमाटोड नहीं होगा। इसी कमेंट के ऊपर जो राजकुमार जैन हैं 12 के, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने गुरु मानता हूं, उन्होंने एक कमेंट किया, आप पढ़िए इस कमेंट को। कहते हैं कि आविष्कार आवश्यकता की जननी है। जब जब समस्या आती है हम कुछ ना कुछ आविष्कार करते रहते हैं, और इसी आविष्कार का परिणाम था कि वेलम प्राइम बाजार में आई। मुझे इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं भी मानता हूँ वेलम प्राइम एक अच्छी दवाई है, नीमिट्स भी एक अच्छी दवाई है, चूंकि वेल एस्टेब्लिश कंपनी की है। मुझे थोड़ा दुख एक बात का हुआ कि जब मैं एक सस्ती दवाई लोगों को बताई, जिसमें कि अब तक मेरे पास जितनी सूचना है उसमें ये दवाई 90% से अधिक कारगर है, मुझे अब तक केवल 3 किसानों ने ये बताया है, जिन्होंने 2 YouTube चैनल पर कमेंट लिखे हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता है, उनका फ़ोन नंबर नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने दवाई खरीदी भी थी या नहीं। लेकिन संजय भाई का मुझे पता है, इन्होंने दवाई खरीदी थी और इनको फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास इतने किसानों के वीडियो हैं, आप उनके बाग देखिए, आप उनके फ़ोन नंबर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि इस दवाई से फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ किसानों ने अनावश्यक सवाल उठाए इस पर। कुछ किसानों ने यहाँ तक कहा कि मैं पैसा खाने लगा हूँ, मैं एक दवाई का प्रचार कर रहा हूँ। क्या जो लोग वेलम प्राइम को सजेस्ट करते हैं वो पैसा खाते हैं? जब हमें फ्यूराडान से, जैसे रितेश भाई को मिला, फ़ायदा हो सकता है, तो हम वेलम प्राइम क्यों बताते हैं? कई सवाल उठते हैं। किसान साथियों, विरोध होना अच्छा है, लेकिन विरोध में किसी पर ऐसा लाछन लगाना वो ठीक नहीं है। विरोध मर्यादा के अंदर होना चाहिए। कानून में एक बात कही जाती है कि किसी पर दोषारोपण करने से, दोष सिद्ध करने का दायित्व दोषारोपण करने वाले पर होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने कमीशन खाया है, मैंने कुछ पैसे लिए हैं उनसे और तब वीडियो दिखाई है, तो इस बात को आप सिद्ध करिए, वरना इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने लोगों को ये बताया है और अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताया है, ताकि अधिक से अधिक लोग पहुँच सकें, अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग कर सकें। मेरे पास ऐसे भी उदाहरण हैं। एक किसान ने मुझे कहा कि त्यागी जी, मैंने 25,000 रुपये की नीमिर्च मंगाई और नीमिर्च अमरूद के नीमाटोड के लिए नहीं है, इसके पंपलेट में लिखा हुआ है। क्या आप देखना चाहेंगे कि वेलम प्राइम अमरूद के नीमाटोड के लिए बनाई गई है? क्या कहीं ये लिखा है उन्होंने? क्या अमरूद पर उन्होंने टेस्ट किया है? रही बात, एक भाई ने सवाल उठाया था कि इसका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होना चाहिए। मैं सहमत हूँ। अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा एक बाग में नीमाटोड जब हुआ तो उसका टेस्ट हुआ, उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, और जब दवाई लगाने के बाद उसका क्या एनालिसिस था, बाग में दिखाऊंगा किसान के साथ, और आप वह वीडियो अवश्य देखिए। किसान साथियों, मैं सिर्फ एक विनती करता हूँ, आप कोई रेगुलेटर नहीं है। कोई भी दवाई बाजार में आती है उसकी जिम्मेदारी कुछ संस्थाओं की होती है कि वो देखें। आप वहां पर कंप्लेंट करिए, आप उस आदमी पर जिसकी दवाई आ रही है मार्केट में, आप उस पर एक केस करिए, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो मुझ पर भी केस करिए। बेनिस्बत किसी का करेक्टर एसेसिनेशन, चरित्र हनन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। किसान साथियों, आशा है कि जो मैंने कहना था कह दिया, और हम सबको मिलकर हमें किसानों की भलाई के लिए सस्ती से सस्ती, अच्छी से अच्छी दवाई का हमें ढूंढते रहना चाहिए। राजकुमार जैन जी को मैं गुरु मानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, ये बात मुझे अच्छी लगती है कि किसान को प्रयोग करते रहना चाहिए, और इसी धारणा को लेकर मैं प्रयोग करता रहता हूँ, चूँकि पेशे से मैं वैज्ञानिक रहा हूँ। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।